गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जेड बानो लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से क्लास टेंथ और इलेवेंथ के लिए सब्जेक्ट उर्दू, जैसे कि मैंने कल गालिब की गज़ल पढ़ाई थी, आज उसके आगे की गज़ल पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए शेर पढ़ती हूँ। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यहाँ शायर कहता है कि जिस तरह आह को असर होने के लिए एक मुद्दत लगती है, उसी तरह तेरी जुल्फों तक हमारी रसाई को न जाने कितना अरसा लगे, तब तक हम जिंदा भी रहें या नहीं बस खुदा ही जानता है। दूसरा शेर, दाम हर मौज में है हल्का सद काम नहंग, देखे क्या गुजरे हैं कतरे पे गोहर होने तक। इस शेर में जो लफ्जी माने हैं तो ये हैं कि बैसाख का महीना होता है, तो उसकी पहली बारिश का कतरा जो है अगर सीपी के मुंह में चला जाए तो मोती बन जाता है। तो शायर कहता है कि एक एक मौज में सौ सौ मगरमच्छ अपना मुंह खोले हुए हैं, अब देखना यह है कि बारिश का ये कतरा सीपी के मुंह में पहुंचकर मोती बन जाता है या मगरमच्छ के मुंह में पहुंचकर जाए हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आला मर्तबों तक पहुंचने के लिए इंसान को तरह तरह की दुश्वारियों और खतरात का सामना करना पड़ता है, तब कहीं वो आला मर्तबे को हासिल कर पाता है। और ज़्यादा इम्कान इस बात का रहता है कि इंसान खराब सोबत में फंसकर अपनी सलाहियतों को खो बैठता है। बाद अगला शेर देखिए, पुरतोवे खूर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। यहाँ पे शायर कहता है सूरज की किरणें जब शबनम पर पड़ती हैं तो वो खुश्क हो जाती है, मतलब शबनम जो है वो फना हो जाती है। सूरज की मुराद यहाँ महबूब से ली गई है और शबनम की मुराद आशिक से ली गई है, इसलिए महबूब की गर्मी हुस्न से वो फना हो जाती है। शायद ये कहना चाहता है कि यही हाल मेरा है, अगर मेरा महबूब मुझे इनायत की नज़र से देख ले, मैं भी शबनम की तरह अपने महबूब के हुस्न की ताब न लाकर फना हो जाऊंगा। इसके बाद ये मैंने आपको इतने शेर पढ़ा दिए हैं और इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे, और जो समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। और वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।